तो दोस्तों फाइनली इस 2021 में सैमसंग के एम सीरीज़ का पहला स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, जो कि हमें देखने के लिए मिलेगा 7 जनवरी वाले दिन। और ये स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M02s स्मार्टफोन, जो कि एक सक्सेसर होगा सैमसंग गैलेक्सी M01s का। और आज हम दोस्तों इस वीडियो में इस सैमसंग गैलेक्सी M02s के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही इसकी क्या प्राइस हो सकती है इंडिया के अंदर, इन सभी चीज़ों को दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए सभी डिटेल्स को जानने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ ऐसा लुक और डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा इस सैमसंग गैलेक्सी M02s स्मार्टफोन का। वहीं प्लास्टिक बैग के साथ में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 6.5 इंच की एक HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जो कि आएगी इन्फिनिटी वी डिजाइन के साथ में। वहीं कैमरे सेक्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें बैक साइड में आपको वर्टिकल शेप में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि प्राइमरी सेंसर होगा 13 मेगापिक्सल का, और बाकी जो दो कैमरे हैं दोस्तों वह हैं 2-2 मेगापिक्सल के, एक होगा डेप्थ सेंसर, दूसरा होगा मैक्रो लेंस। वहीं फ्रंट में आपको जो है इन्फिनिटी वी डिज़ाइन के साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं बैटरी बैकअप की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि आएगी नॉर्मल एडेप्टर के साथ में। वहीं प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 450 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, और नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी आप जो है यहाँ पर कर पाओगे। वहीं सिक्योरिटी के लिए दोस्तों अभी एक चीज़ कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं। अभी यहाँ पर इमेजेस से यहाँ पर देखने में लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो सैमसंग ने जो है इस स्मार्टफोन में स्किप कर दिया है। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा चार्जिंग के लिए, साथ ही आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक, और यहाँ पर आपको जो है माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर स्लॉट देखने के लिए मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसके हमें दो वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा 3GB प्लस 32GB और दूसरा होगा 4GB प्लस 64GB। 3GB वाले वेरिएंट की प्राइस हमें 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। वहीं इसका जो 4GB वाला वेरिएंट होने वाला है दोस्तों इसकी प्राइस हमें 10 से 11 हज़ार रुपये के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी देखते हैं दोस्तों जब सैमसंग इस स्मार्टफोन को 7 तारीख को इंडिया में लॉन्च करता है तब हमें इसमें क्या क्या और स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही सैमसंग इसकी क्या प्राइस रखता है इंडिया के अंदर। बाकी आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना क्या आप सैमसंग के इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, बताना ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम दोस्तों किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।